बुढ़ापा कैसे बीतेगा आप जानिए। क्या मालूम हमारा जीवन, क्योंकि हम 62 साल के जब रिटायरमेंट होंगे साथ तो एक चीज हमको गिफ्ट में मिलेगी और वो है बीमारी। क्या मालूम हमारी पुरानी पेंशन नहीं मिलती है तो वो जितनी पेंशन मिलेगी वो हमारी बीमारी में ही मेहनत चला जाएगा। साथियों हम आपसे निवेदन करते हैं, न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ के प्रांत अध्यक्ष, लगातार 3 वर्षों से हमने हमारे विधायकों को ज्ञापन दिया, हमने बीजेपी अध्यक्ष को ज्ञापन दिया, हमने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को ज्ञापन दिया, हमने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया, हमने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। दोस्तों अब हमारे एक और बच्चे हैं आरएसएस के संगठन मोहन भागवत जी को भी हम अपनी पीड़ा सुनाने जा रहे हैं। हमने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे चुका है, विधानसभा में हमारे 200 विधायकों ने हमारा प्रश्न लगाया। दोस्तों ये सफलता है हमारी, और सबसे बड़ी सफलता तो वो है कि आज सारे संगठन पुरानी पेंशन मांग रहे। 3 साल पहले कोई नहीं जानता था पुरानी पेंशन की मांग क्यों की जा रही है। दोस्तों जब मैं अध्यक्ष बना और पहली बार मैं एक विधायक के पास गया तो हमारे साथी तरह से पूछे गए, भैया पुरानी पेंशन क्यों मांगने लगे, क्या तुमको पुरानी पेंशन मिल जाएगी? मैंने कहा भैया देखना ना, तुम भी हमारे साथ आ जाओगे पुरानी पेंशन मांगने। और आज दोस्तों 3 साल बीते मात्र जितने भी संगठन है, चाहे वो अध्यापक संगठन हो, चाहे अधिकारी कर्मचारी संगठन हो, सबने हमारी मांग को पहले में रखा। दोस्तों ये हमारी सबसे बड़ी जीत है, न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ की जीत है कि आज हमारी मांग सारे कर्मचारी संगठन मांग रहे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि आप सबकी मांग हमारी एक हो गई और वो है पुरानी पेंशन। दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, मेरी मातृशक्ति बहनों, पुरानी पेंशन भर मिल जाए जो हम उसके लिए लड़ रहे हैं उसका भी कारण है, वरिष्ठता मिलेगी,